स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म को देखने जा रहे हैं जिसका नाम है यू आर सो प्रीशियस टू मी। ये कहानी थ्रू होती है एक शिन नाम के एजेंट से जिसके लिए बहुत सी लेडीज काम किया करती है और हमेशा की तरह आज ये अपनी एक एम्प्लॉय का वेट कर रहा होता। काफी देर हो गई, वो आई नहीं होती। तभी कॉल आती है, पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है। गिरने से सर में चोट आई और उसकी मौत हो गई वहीं पर। सीसीटीवी में चेक किया गया था उसका कुछ सामान होता है और पुलिस वाले बताते हैं कि उसकी एक 7 साल की बेटी भी है। सिन दुखी है मौत से नहीं बल्कि इस बात से कि उस इम्प्लॉय ने इससे पैसे लिए थे उधार। अब वो पैसे कौन चुकाएगा, उसकी भरपाई कौन करेगा। तो अगले दिन उसके घर पर जाता है, कुछ सामान कुछ पैसे कुछ तो घर में ऐसा मिलेगा ना जिसको बेच कर ये अपने पैसों की भरपाई कर पाएगा। ये पहले डोर बजाता है, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। डोर ओपन है, अंदर आता है तो घर में अंधेरा होता है, बहुत गंदगी फैली है मानो महीनों से घर की सफाई नहीं की गई हो। तभी एक छोटी सी बच्ची बाथरूम से बाहर आती है, हाथ से छूते हुए दीवारों को टेबल पर रखे हुए बन को उठाकर टेबल के नीचे घुसकर बैठकर खाने लगती है। बन खराब हो गया था बहुत और मानो महीनों पुराना हो। बच्ची खा रही है, शिन कहता है कि तुम्हारी मॉम का फ्रेंड हूं मैं। बच्ची कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती तो चुपचाप ये घर के अंदर चाबियां खोजने लग जाता है लॉकर की और बच्ची से पूछता है कि तुम्हारी मॉम अपनी ज्वेलरीज कहाँ पर रखा करती थी। बच्ची कुछ नहीं कहती है, उस पर चिल्लाता है, उसके सामने हाथ मारता है, गुस्सा करता है, कहता है कि तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं तुमसे बात करूं, पर वो कुछ कहती नहीं है। फिर उस लेडी के एक्स हस्बैंड का नंबर ढूंढता है और उसको कॉल करके बताता है कि तुम्हारी बेटी यहाँ पर है। तभी वो आदमी कॉल कट कर देता है। ये फिर कॉल करता है और बताता है तुम्हारी बेटी के साथ कोई प्रॉब्लम है क्या, उसको कुछ हुआ है। ये आदमी अपनी बेटी के बारे में बात तक नहीं करना चाहता, भाग जाता है। इतने में बच्ची ने बन खत्म कर दिया होता है, वो फ्रिज खोलती है और पानी निकाल कर फिर से टेबल के नीचे बैठकर पीने लगती है। शिन अभी तक सोच में पड़ा है कि आखिर ऐसा कर क्यों रही है और फिर सिगरेट जलाकर पीने लगता है। उसकी स्मेल को सूंघते हुए बच्ची इसके पास आने लग जाती है और जमीन पर हाथ मारती है। शिन भी उसको देख कर वैसे ही हाथ मारने लगता है और सेम किया तो बच्ची आकर इसको हक कर लेती है और इसके फेस को छू कर डर के मारे यहाँ से भागने लग जाती है। इसको लगा था कि इसकी मॉम आ गई, जिससे हम जान पाते हैं कि इसकी मदर भी सिगरेट पिया करती थी क्योंकि इसके जो बाकी की एम्प्लॉयज लेडीज हैं ना वो भी सिगरेट पीती हैं। तो इस बच्ची को लगा कि इसकी मदर आई है सिगरेट की स्मेल से। अब ये चिल्लाती है, इतने में लैंड लेडी आ गई होती है जो डोर पीट रही है। शिन को कहती है कि कहाँ थे, घर की हालत देखिए तुमने कैसी हो गई है, अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रख सकते तुम। ये इसे इस बच्ची का पिता समझ रही होती है जो कि महीनों पहले छोड़कर भाग गया था। इसे चीटर कहती है, पूछती है तुम्हारी वाइफ कहाँ है, डिवोर्स क्यों हुआ तुम दोनों का, तुम दोनों की वजह से इस बच्ची को कितनी प्रॉब्लम होती है। दूसरी तरफ वहीं पर बच्ची डरी सहमी वहीं टेबल के नीचे बैठी होती है। लैंडलेडी को बस अपने रेंट से मतलब होता है, कई महीनों से इस बच्ची की मदर ने रेंट नहीं दिया होता है और लीज भी खत्म होने वाला घर का, तो अगले महीने कहती है कि अपना डिपॉजिट ले लेना पर उससे पहले मेरा रेंट दे जाओ और इस घर को फिर छोड़कर चले जाना। सिन पूछता है कि इस घर का डिपॉजिट कितना जमा हुआ है, ये बताते है कि $70,000 जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। ये सुनकर सिन शॉक हो जाता है और बच्ची का पिता बन जाता है कि डिपॉजिट के पैसे लेकर भाग जाऊंगा यहाँ से, मेरी भरपाई भी हो जाएगी और एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाएंगे। बताता है कि मेरी वाइफ मर चुकी है और अब सिन डिपॉजिट पेपर भी ले लेता है और कहता है कि मैं जल्दी आपका सारा रेंट दे दूंगा और अगले महीने यहाँ से चला जाऊंगा डिपॉजिट के पैसे लेकर, और घर आ गया होता है जहाँ पता चलता है कि कई महीने से इसने भी रेंट नहीं दिया होता है तो इसको भी घर से निकाल दिया गया है। जहाँ से हम जान पाते हैं कि ये बहुत ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ है, इसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। तो ये सामान लेकर बच्ची के घर पर आता है और इसे खुद को पापा बुलवाता है। इस बच्ची का नाम यूनी होता है। यूनी अब जान गई होती है कि इसके घर में कोई रहता है पर कौन रहता है इसे नहीं पता क्योंकि वो कौन घर में है कौन नहीं है वो जूते रखने वाली जगह को छू कर जान जाया करती है। वहां पर इसकी मदर की चप्पल है या किसी और आदमी के जूते हैं। शिन के पास कोई ठिकाना तो नहीं है तो इसके घर पर ही आकर रहने लग गया था वो और आज नूडल्स खा रहा होता है। उसके खुशबू को सिंगती उसके पास आती है पर डरी हुई है कि वो नूडल या वो जो भी चीज है जिसके अंदर से खुशबू आ रही है खाने की वो किसी और का है, ये मेरी मदर नहीं है, और वापस अपने साइड में रखे हुए ब्रेड को लेकर जो कि सड़ चुके थे खाने लगती है। शिन मना करता है, जब ये नहीं मानती तो कहता है कि कैसी हो तुम, मेरी बात नहीं सुनती, कितनी बदतमीज लड़की हो, और गुस्से में ब्रेड को ले जाकर कूड़े में फेंक देता है। कुछ देर बाद यूनी जूते रखने की जगह पर देखती है तो जूते इस बार नहीं होते तो बहुत खुश होती है। इसको लगता है कि जो भी वो आदमी औरत जो भी इंसान आया था इसको आदमी औरत कुछ भी नहीं पता है, बता दूं मैं तो जो भी इंसान आया था वो जा चुका है। शिन ने जूते छुपा दिए होते वहां से क्योंकि वो देखना चाहता है कि जब ये घर में नहीं होता है तो ये आखिरकार करती क्या है। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे इनकी हरकतों से कि जो ये बच्ची यूनी है ये अंधी होती है, इसको दिखाई नहीं देता है।
अब ये जा करना टेबल पर ब्रेड खोजने लगती है। इसको ब्रेड नहीं मिलता तो ये घबरा जाती है कि अब ये खाएगी क्या, क्योंकि इसने कई दिनों से बस ब्रेड ही खाया होता है, क्योंकि ये बस ब्रेड खाकर अपना काम चलाती है। अब ये चिल्लाती है तो इसको चुप करवाता है और बाहर जाकर इसके लिए ब्रेड लाता है। ये सूंघती है पर उसमें सड़ी हुई स्मेल नहीं आ रही होती है, वो रख देती है। और अब इसको नूडल की खुशबू आ गई है तो वो नूडल खाएगी। वो जाती है और जाकर बाउल में से नूडल निकाल कर खाने लगती है। अब इस इतना अच्छा खाना खाया है ना, पहली बार होता है इसके लिए, तो खुशी से बाथरूम में जाकर खूब खेलती है, क्योंकि ये इस घर से बाहर आज तक कभी निकली नहीं। तभी लैंडलेडी कॉल करके कहती है कि ये घर मैं किसी और को रेंट पर दे रही हूँ, तो सफाई करने के लिए कुछ सोशल वर्कर आने वाली है। शिन इसके कपड़े चेंज करना चाहता है क्योंकि ये बहुत गंदे हो रहे हैं और इसने कई दिनों से नहाया भी नहीं होता है। ये डर के चिल्लाने लग जाती है और इसका चिल्लाना सुनकर ये यहाँ से भाग जाता है, पर अपना फोन अंदर ही छोड़ आया। जब लेने जाता है, जब तक सोशल वर्कर और लैंडलेडी घर में घुस चुकी होती है, वो घर की हालत देखकर हैरान है और हाइन की गंदी हालत देखकर कहती है कि क्या तुम अपनी बेटी को नहलाते नहीं हो। फिर शिन हाइन की मदर के कपड़ों को सुंघाता है इसको और इसको बाथरूम में लेकर जाता है कि हाइन को लगे कि उसकी मदर है, नहलाता है तो ये चिल्लाने लग जाती है। लैंडलेडी अगर शिन को मारती है कि तुम कैसे आदमी हो, तुम्हें नहीं पता कि बच्चों को कैसे नहलाया जाता है। और फिर ये इस हाइन के हाथ में टोए रख देती है और ये नजारा देखकर ये समझ जाते हैं यानी कि शिन की ये अंधी होने के साथ साथ बहरी भी है, यानी कि इसको ना तो दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। अब इसलिए ये बोल नहीं पाती है क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि बोलते कैसे, क्योंकि आज तक इसने कभी किसी को बोलते हुए सुना ही नहीं है और ना ही देखा होता है। रात को छोटे टाइम इसको फीवर हो गया होता है। शिन इसको उठाकर घुमाता है, हॉस्पिटल ले जाता है और सोच में पड़ा है कि पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि कर्जा तो बहुत हो गया होता है। तो हाइन का स्कूल में एडमिशन करवा के हैंडीकैप लोगों को जो गवर्नमेंट पैसे देती है ना, वो लेने की सोचता है। पहुंच जाता है वैसे बच्चों के स्कूल में जहाँ पर अंधे और बहरे बच्चों को पढ़ाया जाता है, पर यहाँ तो अंधे बच्चों की क्लास अलग और बहरे बच्चों की क्लास अलग होती है। अंधे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो वो लोग तो सुनकर ही काम चला लेते हैं। अब हाइन को रखो तो सुन नहीं पाती है, और अगर बहरे बच्चों के क्लास में बैठाया जाए तो उनको इशारों से पढ़ाया जाता है, तो वहां पर अगर हाइन को बिठाए तो वो देख नहीं पाती है, तो काफी मुश्किल होता है। इसका एडमिशन नहीं हो पाता है यहाँ पर, तो इसको घर लाकर यहीं पर घर में ही पढ़ाने लगता है। हाथों पर लिख लिख कर बताता है कि चीजें कैसे लिखी जाती है और किसी चीज को छू कर बताता है कि ये ऐसा दिखता है, जिसकी ABCD के कुछ अल्फाबेट होते हैं। अब यहाँ मैं बता दूं कि जो लोगों को दिखाई नहीं देता ना, वो लोग किसी भी चीज को छू करना बहुत जल्दी याद कर लेते हैं और किसी भी चीज की खुशबू भी उनको काफी ज्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाती है। अब हाइन की मदर ने अपना कर्जा नहीं चुकाया था तो उसके घर पर आज कोर्ट वाले आए होते हैं और इसका कुछ सामान लेकर चले जाते, जो कि थोड़े बहुत पैसों का होता है। और जो डिपॉजिट के पैसे भी मिलने वाले थे ना, वो भी अब इसको नहीं मिलेंगे क्योंकि वो भी कोर्ट वाले ही रख लेंगे। शिन बहुत परेशान हो गया होता है, इसका काम भी नहीं चल रहा होता है और इसका ध्यान भी नहीं होता काम के ऊपर, क्योंकि कर्जे तले दबा होता है। घर आता है तो हाइन बैठी इसका इंतजार कर रही होती है, ये बिना कुछ बोले जाकर सो जाता है। इसको एक न्यू काम चाहिए होता है तो ये अपने फ्रेंड से मिलने आया होता है। इसका फ्रेंड बहुत हरामी होता है, इसने शिन को एक तरह से बर्बाद कर दिया, उसकी कंपनी को खरीद लिया होता है और कह रहा होता है कि तुम तो वैसे ही बर्बाद हो, तो मेरे लिए काम करो। और फिर इसकी बेइज्जती करता है अपने इम्प्लॉइज से, शिन को दिखाते हुए कहता है कि देखो अगर तुम लोग काम नहीं करोगे अच्छे से तो 10 साल बाद तुम लोगों की हालत भी ऐसी हो जाएगी जैसे ये आदमी बैठा हुआ है। अब शिन अपनी इतनी बेइज्जती सुनकर यहाँ से जाने लगता है। बाहर जाता तो देखता है कि इसकी एक वर्कर यानी इम्प्लॉय को एक आदमी गलत तरीके से परेशान कर रहा होता है। ये जाकर उसको बचाता है तो वो इम्प्लॉय भी इसको मारने लग जाती है। अब वहां से पिटने के बाद घर आता है तो मैसेज आया है कि तुम्हारे कार्ड को जो कि बैंक का होता है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया, मतलब पैसे तो इसके पास आने से रहे। अब इतनी सारी बुरी चीजें हो ही रही थी तो इसका दिमाग भी अब काम नहीं कर रहा होता है। ये यूनही की मोम का फोन चेक करने लगता है, जिससे पता चलता है कि उन्होंने गाँव में अपनी किसी बहन को पैसे उधार दिए थे। तो ये पैसे की लालच में अगले दिन यूनही को लेकर गाँव की तरफ निकल जाता है अपनी गाड़ी से। यूनही घर से पहली बार निकली, उसके लिए सारी चीजें पहली बार हो रही होती है, बहुत खुश है, सब कुछ नया नया फील कर रही होती है, क्योंकि वो देख और सुन तो सकती नहीं है, फील करके काम चलाती है। गांव आकर उस औरत के टेम्पलेट को बनवा कर ये खोजने लगता है चारों तरफ, पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा होता है। यहीं पर यूनही गायब हो जाती है। खोजने पर वो एक ओल्ड कपल के पास मिलती है जो बैठे होते हैं। शिन भी आता है, बैठता है, ओल्ड कपल इसको फिर खाना खिलाता। खाना खाने के बाद शिन कहता है कि काम दे दो अगर आप लोगों के पास कुछ भी है, और इसे काम मिलता है, पूरे दिन ये काम करता है और फिर रात को रहने की जगह और खाने का खाना भी मिल जाता है इन लोगों को। यूनही अपने मुंह का चबाया हुआ खाना शिन को खिला रही होती है। शिन कहता है कि ऐसी बदतमीजी है और मना कर देता है, तो यूनही गुस्सा हो जाती है।
अगले दिन फिर से उस औरत को खोजने ये दोनों निकल जाते। रास्ते में इनको भूख लग जाती है। वहीं पर एक खेत है जहाँ से ये वाटरमेलन चोरी करके खाने लगते हैं। शिन यूनी को बताता है कि बीज को नहीं खाया जाता है, फेंक दिया जाता है, और उसके मुंह पर ये फेंकने लगती है। एक तरह से उसको परेशान कर रही होती है, और शिन इसे फिर वाटरमेलन लिखना सिखाता है उसके हाथों पर। बस इतने में खेत की मालकिन भी आ जाती है और कहती है, तुम लोग चोरी करते, सीसीटीवी में पकड़े गए। अब बचने के लिए शिन कह देता है कि इस बच्ची के लिए चुराया था मैंने, और मैं एक औरत को यहाँ पर खोजने आया हूँ। मालकिन कहती है कि ठीक है, पर तुमने हमारा लॉस किया है तो उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी, और इस वजह से ये लोग इससे पूरे दिन खेत में काम करवाते हैं। शाम को जब ये वापस कार में आता है तो यूं ही इसके ऊपर आकर जिद करती है कि मुझे बाहर लेकर चलो, क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है। इसने टच करके फील किया, ये जाना चाहती है। वो मना करता है तो नाराज हो जाती है। अब उसको ना चाहते हुए उसको बारिश में लेकर जाना पड़ता है, और इसके लिए शायद ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा बारिश का, क्योंकि ये बहुत खुश होती है बारिश को फील करके। कि शाम को दोनों उस फार्म वालों के साथ खाना खाते हैं। उन्होंने ही इन्हें खुद बुलाया होता आज खाना खाने के लिए, और फिर से यूनी चबाया हुआ खाना शिन को दे रही होती है। शिन खाता नहीं है, लेकर साइड में रख देता है। अब यूनी को क्या ही पता चल रहा है कि उसने खाया है कि नहीं खाया, और मालिक ये सब नोटिस करता है और कहता है कि मेरी मोम को जब बीमारी थी तो वो भी मुझे ऐसे ही दिया करती थी खाना चबा के, मुझे बहुत गंदा लगता था उस टाइम। फिर मुझे पता चला कि वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो मेरे लिए ऐसा करती थी। शिन अब सोच में पड़ जाता है कि क्या इन्हें भी मुझसे प्यार करती है, और क्या मुझे वो अपना मानने लगी है। अगले दिन मालकिन बताती है कि जिसे तुम खोज रहे हो ना, वो औरत एक नंबर की चोर है। उसने कई लोगों को शक्ल और वेश और आईडी बदल बदल के ठगा है, और वो तुम्हारे वाइफ को भी ठग कर यहाँ से भाग चुकी है, तो कोई फायदा नहीं है, पैसे तो तुम्हें नहीं मिलेंगे। अब शिन के पास कोई रास्ता नहीं बचा, जो एक उम्मीद थी वो भी नहीं रही, तो ये यहीं पर रहकर खेती करने का सोचता है, और मालकिन मान भी जाती है इसकी हेल्प करने के लिए। दोनों अच्छे से यहाँ पर रहने लगते हैं, और शिन यूनी को रोज नई नई चीजें टच करवाता है, नाम लिखना सिखाता है, फील करवाता है, जिससे इसको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। अब मालकिन इनकी वीडियो बनाने लग जाती है ये सब देख कर, क्योंकि इनका रिलेशन काफी अच्छा हो गया होता है। कुछ दिन बाद शिन का वही फ्रेंड इसे खोजते हुए यहाँ पर आ गया होता है, अपना उधार मांग रहा होता है। शिन के पास एक पैसा नहीं है इसको देने के लिए, तो वो लोग इसको मारते हैं और इसकी कार लेकर चले जाते हैं। शिन काफी घायल है, वो रात को सो तक नहीं पा रहा होता है। हाइंस के पास आती है, उसके फेस को टच करके वो फील कर पा रही होती है कि ये पेन में है, और ये सब देख कर शिन रोने लगता है और अपने आंसुओं को इसके हाथ पर रख कर बताता है कि ये पानी नहीं बल्कि आंसू है, और इसको कैसे लिखते हैं। और ये समझ जाती है कि जब हमें अंदर से बुरा फील होता है, गंदा फील होता है, तो हमारे आंसू निकलते हैं। अगले दिन इसे इसके पिता के पास छोड़ने का फैसला करता है, क्योंकि इसके खुद के रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इस बच्ची को क्या ही वो दे पाएगा, है ना। पर यूनी का पिता तो कुछ टॉयज और कुछ खाने का सामान देकर इस बच्ची को जाने को कह देता है। शिन अब परेशान है कि इस बच्ची का वो करे तो करेगा, क्योंकि ये इसको पाल तो नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन बचता है इसके पास एक अनाथ आश्रम, और ये इसको यहाँ पर छोड़ आता है। अब जा रहा होता ना जब, तो यूनी बहुत चिल्लाती है, रोती है। शिन खुद को रोक नहीं पाता, अब इसके पास आता है तो वो इसके हाथों के ऊपर आंसू लगाकर आंसू लिखती है, जिससे बता रही होती है कि मैं दर्द में हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, जैसा कि एक बार शिन ने किया था, और पूछती है इससे कि मैं कौन हूँ। तो शिन उसके हाथ पर उसका नाम लिखता है, फिर पूछती है कि तुम कौन हो, और फिर ये उसके हाथ पर लिखता है पापा, और यहाँ पर फिल्म जो है खत्म हो जाती है। काफी इमोशनल थी मूवी, अगर आप देखोगे तो भाई इमेजिन करो, आप लोग नहीं सोच के देखो, अगर आपको दिखता नहीं है और आप लोगों को कुछ सुनाई भी नहीं देता है, तो आपके लिए दुनिया कैसी होगी, आप लोग इमेजिन तक नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने कुछ देखा ही नहीं होगा, ना कभी सुना होगा, आपको तो पता ही नहीं होगा ना कि दुनिया में क्या है क्या नहीं है। हमें सोचने में सुनने में शायद हो सकता है वैसा लग रहा कि हाँ ठीक है, नहीं सुन सकती थी, नहीं देख सकती थी, बट एक बार एक फील करके देखो, सुनाई नहीं दे रहा ना दिखाई दे रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्या हो रहा है, आप एक जगह पड़े रहोगे, इमेजिन करना अगर आप खाली बैठो तो। मूवी काफी ज्यादा इमोशनल है। इसमें सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज है ना, वो ये बच्ची बहुत क्यूट होती है, और इसको ना वो अलग अलग चीजें सिखाता है, ठीक है, अलग अलग चीजें करवाता है, क्योंकि अब एक खुद सोच के देखो, जिस इंसान को ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, उसको कुछ सिखाना कितना ज्यादा मुश्किल रहता होगा, ठीक है, क्योंकि हम बोल भी नहीं सकते और ना ही दिखा कर कुछ कर सकते हैं ना, जो भी होता है हाथों से होता है। तो इनका रिलेशन बहुत अच्छा था दोनों का, अभी इसकी बेटी बन चुकी है, शायद इसको अडॉप्ट कर लेगा और इसके साथ ही रहेगा। और मूवी काफी ज्यादा अच्छी है, और इनके रिश्ते को देखना, फिल्म को जरूर देखना, बहुत प्यारी फिल्म है ये, और काफी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में लोगों को। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ, बाय।